आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 में जितने भी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर है नो द कीवर्ड्स, यानी कीवर्ड्स के बारे में आपको जानना है, उसके कुछ की है, उसके क्या फंक्शंस है, उस फंक्शंस को डिटेल में हम लोग जानेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की क्या होता है? इट इज़ यूज टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स एंड वॉइस वर्सा। मतलब ये हो गया कि अगर किसी वर्ड को कैपिटल में टाइप करना है तो हम लोग कैप्स लॉक की को यूज करते हैं, यानी कैप्स लॉक की को ऑन करेंगे तो आपका क्या होगा, वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। जब कैप्स लॉक की को ऑफ कर देंगे तो आपका वर्ड जो है वो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका कैप्स लॉक की है, विद द हेल्प ऑफ कैप्स लॉक की वी कैन टाइप द लेटर इन कैपिटल लेटर। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे इसको ऑन करेंगे आपका कैप्स लॉक की का यह बल्ब ग्लो हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो बल्ब जलने के बाद क्या होगा कि आप वर्ड को कैपिटल में लिख सकते हैं। अगर फिर से कैप्स लॉक की दबाएंगे आपका बल्ब जो ग्लो करेगा वो क्या होगा, बंद हो जाएगा, तो उसके बाद आपका वर्ड जो है वो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज अ टॉगल की। टॉगल की क्या होता है? सच की विच कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ आर कॉल्ड टॉगल की। ऐसे की जिसको हम लोग टर्न ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, वो आपका की टॉगल की कहलाएंगे। यानी ऐसे की जिसको हम लोग ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका टॉगल की कहलाएगा। जैसे आपका होगा कैप्स लॉक की हो गया, नम लॉक की हो गया, स्क्रॉल लॉक की हो गया। क्वेश्चन 3 डिफाइन शिफ्ट की। द शिफ्ट की इज अ मॉडिफायर की ऑन अ कीबोर्ड यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स एंड अदर अल्टरनेट अपर कैरेक्टर। यानी शिफ्ट की जो है वो मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है और इसके मदद से हम लोग स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में या फिर कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में टाइप करते हैं, इसीलिए हम लोग शिफ्ट की को कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 4 व्हाट इज नम लॉक की। नम लॉक की क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ टॉगल की डैट इनेबल्स एंड डिजेबल द न्यूमरिक पैड। जब आप नम लॉक की को ऑन या ऑफ करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा नंबर पैड एक्टिव होता है या डिजेबल होता है। ओके, तो जब आप नम लॉक की को ऑन करेंगे तो आपका नंबर पैड जो है वो काम करेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग आपका ये नम लॉक की का बल्ब दिया हुआ है, जैसे इसको प्रेस करेंगे आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आप किसी भी नंबर को इसमें टाइप करेंगे आपका नंबर जो है स्क्रीन पे टाइप हो जाएगा। अगर बल्ब यहाँ ऑफ है इसका मतलब नम लॉक की ऑफ है आपका, ठीक है, तो जब आप नंबर को दबाएंगे तो आपका नंबर प्रेस नहीं होगा, इट मीन्स नंबर जो है आपके स्क्रीन पे टाइप नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन 5 डिफाइन बैक स्पेस की। दिस की व्हेन प्रेस्ड इरेज्ड द कैरेक्टर वन बाय वन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। यानी बैक स्पेस की से हम लोग कैरेक्टर को इरेज करते हैं, डिलीट करते हैं लेफ्ट साइड से। अगर लेफ्ट साइड से डिलीट करना होगा तो हम लोग बैक स्पेस की का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया डिफाइन डिलीट की। इट इज यूज टू इरेज द कैरेक्टर वन बाय वन ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। अगर आपको किसी भी कैरेक्टर को डिलीट करना है तो आपको डिलीट की से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। इसका काम क्या है कि आपको कैरेक्टर को राइट साइड से डिलीट करेगा। ओके, यानी जो भी कैरेक्टर है वो राइट साइड से आपका डिलीट होगा, इसलिए हम लोग इसको डिलीट की कहते हैं। बैक स्पेस की में क्या होता है, आपको कैरेक्टर जो है लेफ्ट साइड से डिलीट होता है, यानी दोनों की का सेम काम है। ओके, बैक स्पेस की और डिलीट की दोनों का सेम काम है, बस उसको इरेज करने का तरीका अलग अलग है।